अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो मैं आज बना रही हूँ बेक पार्लर का बारबेक्यू चिकन मैक्रोनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें दो पैकेट होते हैं, ये देखें 2-in-1 दो पैकेट होते हैं। तो इसमें एक पैकेट जो होता है वो होता है मैक्रोनी का और एक मसाले का साशे होता है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, तो ये देखें एक चिकन इसके अंदर से निकला है मैक्रोनी और ये साशे निकला है मसाले का। तो बहुत ही जल्दी से और आसानी से ये बन जाती है रेसिपी, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो ये देखिए, यहाँ पर एक खुले बर्तन में मैंने पानी ले लिया है, इसमें मैं 3 टेबल स्पून नमक डाल दूँगी, मिक्स कर लेंगे, कवर कर देंगे और पानी को उबाल आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें मैं मैक्रोनी डाल दूँगी, मिक्स कर लेंगे और इसे एक कनी गलने तक पकाएंगे, कवर कर देंगे। तो ये देखें ये एक कनी तक गल चुका है, इसे अब मैं निकाल लूंगी। तो ये देखिए इसका गर्म पानी गिरा दिया था मैंने, इसमें ठंडा पानी डाल के इसको छान लिया है ठंडे पानी से भी। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। बारबेक्यू चिकन बनाने के लिए यहाँ पर पैन में मैं 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी और ऑयल को गर्म होने देना है हमने। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें एक अदद प्याज भी ये डाल देंगे, इसे सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। प्याज सुनहरा फ्राई हो चुका है, इसमें लहसुन पेस्ट डाल दूंगी 1 टेबल स्पून, इसे भी 1 मिनट पकाऊंगी। 1 मिनट पकाया है इसे मैंने, अब इसमें मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, ये डाल देंगे। चिकन का कलर चेंज होने तक पकाएंगे। ये देखिए चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, अब इसमें मैदा डाल दूंगी 2 टेबल स्पून, 2 मिनट पकाएंगे इसे। अब इसमें मैं मसाला डाल दूंगी, मिक्स करेंगे और इसे भी 2 मिनट ही पकाएंगे। इसमें मैं 1/2 टीस्पून फूड कलर डालूंगी, आपके लिए ऑप्शन है अगर आप डालना चाहें, मिक्स कर लेंगे। 1 प्याली पानी ली है और ये डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये थिक सा होने लगा है, 1 टीस्पून कुटा हुआ अदरक डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लेंगे, कवर कर देंगे और 10 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो ये देखिए चिकन को यहाँ पर पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हल्का सा इसमें मैंने सॉस सा रखा है, आप चाहे इसे ड्राई भी कर लीजिएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा सॉस रखा है इसमें। अब इसके अंदर हम बॉइल मैक्रोनी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अब फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे अब मैं स्मोक दूंगी। स्मोक आपके लिए ऑप्शन है अगर आप देना चाहते हैं, क्योंकि बारबेक्यू मैक्रोनी है इसलिए मैं इसे स्मोक दे रही हूँ। एक प्याली रख दूंगी, कोयला डाल दूंगी, ऑयल थोड़ा सा डाल के कवर कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए स्मोक दे देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, प्याली निकाल देंगे और इसे आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बारबेक्यू मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुका है, ये बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त बना है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।